अभी मेरे को वापसी पे जेब में मैंने हाथ डाला तो कुछ मुझे मिला। तो भाई इनको हमने फुल इजाज़त दे रखी है कि भाई इधर नीचे ये कच्चे मकान में बेशक बनाओ, जितना घर मर्जी बनाना बनाओ। हेलो, मरहबा, सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतुफ हुसैन वी लॉग्स। भाई ये जो चीज़ है ना, इसको देखने के लिए तरस गए थे हमारे एरिए के लोग। 5 दिन के बाद जाकर आज ये आई है। नहीं, वैसे आती तो पहले भी थी, मतलब लेकिन सिर्फ 10-12-15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से गायब। 4-5 घंटे के बाद फिर 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट में तो हमारा ये नहीं भरता, तो ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है जिसको तकरीबन 1.5-2-3 घंटे मैक्सिमम चाहिए होते, तो इसकी भी अच्छे से देखभाल नहीं हो सकी इसकी वजह से। खैर, उम्मीद तो है कि अब नहीं जाएगी, क्योंकि 4-5-6 झटके इसने मारे हैं। मतलब फील आई कि भाई उधर से उन्होंने जोड़ जट्टा करके इसको लगाया, तो फिर वो ना लगी तो फिर झटके मारे, तो फिर फाइनली आ गई। तो जरा मोबाइल की भी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। लो जी, मोबाइल भैया का पेट पूजा हो गया है। मजे की बात, लाइट अभी भी है, मतलब खाना अभी भी है, लेकिन मोबाइल भैया ने बोला कि बस ये वाली जो चिड़ियां बैठी है ना, इनका प्लान क्या है कि भाई हमारे घर के अंदर ये अपना घर बना दे, होम स्वीट होम बनाना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इनको लाइक उतनी अकल समझ बूझ नहीं होती, उधर ही खाती उधर ही मतलब पोटी वगैरह, तो ये साफ सुथरा घर गंदा हम कैसे होने दे सकते हैं। तो भाई इनको हमने फुल इजाज़त दे रखी है कि भाई इधर नीचे ये कच्चे मकान में बेशक बनाओ, जितना घर मर्जी बनाना बनाओ। वो बात ये नहीं मान रही बिल्कुल इधर घर बनाने का। अरे भाई, नो फेयर नो डर। तो भाई लाइट आने के बाद इफेक्ट देखो लोगों पर, इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई लाइट आ चुकी है। दिन दहाड़े भी इन्होंने सारी लाइट्स ऑन करके रखी हैं, ताकि लोगों को समझ लगे कि भाई लाइट आ चुकी है। सनसेट के नज़ारे, सनसेट के साथ मिल जाए एक छोटा सा फल तो उसका मज़ा दोबाला हो सकता है। सनसेट के साथ मिल गया ये फल, इन ये फल को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत है मेरी, तो को और कुछ काम ही नहीं है पूरी लाइफ में। उस दिन मैंने देखा फिर भी इधर ही पड़ा, आज देखा फिर भी इधर ही। अरे सन अभी तक सेट ही हो रहा है, मैं तब का देख रहा हूँ अभी तक सेट नहीं हुआ। अभी मेरे को वापसी पे जेब में मैंने हाथ डाला तो कुछ मुझे मिला, और वो मुझे मिली अपने बाइक की चाबी, जो कि 3-4 महीने से जो कि ऐसे ही खड़ा हुआ है। अभी उसका जाके टेस्ट राइड लेते हैं, देखते हैं कि चलता भी है या ख़त्म हो गया। तो अभी बाइक को ले आए हैं रोड पे, और अभी देखते हैं इसका टेस्ट राइड कि अभी ये जिंदा है या गया कम ख़त्म। आगे भेज ईसा पोर्ट। भाई क्या गजब चल रही है अभी भी। खैर इसका टेस्ट ड्राइव हो गया है, अभी जाते हैं नीचे, कोई गेम वगैरह दोस्त वगैरह इंतज़ार में है। ये छोटू को भी सवारी चाहिए थी साथ, तो इसको भी बैठा दिया। बंद, उतर जा भाई उतर जा। आओ, होता क्या है ना कि जब 3-4 लोग जो कि दोस्त रह चुके हों, काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं ना, तो कुछ पुरानी पुरानी बातें करते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर रहा है। हमारे साथ भी वही हुआ, अभी रात हो चुकी है लेकिन हमारे माइंड में आया ही नहीं कि कब रात हुई कब दिन हुआ सब कुछ। तो रात को व्लॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज के व्लॉग को एंड करते हैं। नए व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा जो कि आने वाला है कल, और इस व्लॉग को खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून। As long as it's with you.